हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज मैं एक नया अनबॉक्सिंग आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने अभी अभी मुझे अपना कुरियर मिला है फ्लिपकार्ट से, ये जिसमें है अपना रियलमी 9 Pro Plus 5G। और ये मैंने ऑर्डर किया था और वन डे डिलीवरी में मुझे मिल गया, क्योंकि मैं बेंगलुरु में हूँ। आई थिंक अगर आप कहीं और दूसरे स्टेट्स में हो तो आई थिंक 1 से 2 डेज में मोस्टली मिल जाना चाहिए आपको, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। ये चाकू अपने पास है काफ़ी बड़ा, क्योंकि मुझे कोई छोटा चाकू या नाइफ नहीं मिल रही थी, तो अब मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना गेट आफ्टर इट। और ये टेप जो है, ये पैकेजिंग काफ़ी सही लगी मुझे फ्लिपकार्ट के। एक्चुअली चारों तरफ से टेप में रैप किया हुआ है और अंदर में ये अपना इनवॉइस है, इसको साइड पर रखते हैं। और ये अपना मेन सामान है, तो ये ब्लैक एंड येलो, वो ब्लैक एंड येलो गाना सुना होगा आपने विस खलीफा का। या मुझे वही याद आ रही है। ये उस टाइप का पैकिंग है, इट्स गुड। चारों तरफ से ये रैप्ड है प्लास्टिक में। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में रियलमी 9 Pro Plus 5G की ब्रांडिंग है एंड्रॉयड, और यहाँ पे सोनी IMX766 OIS कैमरा, डायमेंसिटी 925G प्रोसेसर है, और 60W सपोर्ट डार्क चार्जर है जो कि इसके साथ आता है, 90Hz सुपर अमोल्डेड डिस्प्ले है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। यहाँ पे हमें टेम्पर प्रूफ सील मिल जाती है, सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप खरीद रहे हो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेक श्योर कि ये सील हमेशा आपको मिले। और अगर ये सील ब्रोकन है तो डू नॉट एक्सेप्ट द पैकेज, जस्ट सिक्योरिटी गाइडलाइन। और अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल नंबर, जेनरिक नेम, यहाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस मेंशन है 31,999, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 32,000, बट मुझे ये मिल गया 29,500 के आसपास में, जो कि आई थिंक और सस्ता मिल सकता था अगर मैं कुछ महीने पहले कुछ सेल आई थी उसमें अगर लेता, बट सडनली मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने ऑर्डर कर लिया। अब इस सील को मैं खोलता हूँ और अंदर देखते हैं क्या सामान है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और ये प्लास्टिक है तो ये मैंने हटा डाला। और ये पैकेजिंग है काफी मजबूत और अच्छी पैकेजिंग लग रही है। यहाँ पे एक और सेलो टेप की सील है जिसमें लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, कॉशन सील पैकेज। सो इसको भी अपन खोल डालते हैं। और ये अपना पैकेज अनसील हो चुका है, इसको बहुत ही आराम से प्यार से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप यहाँ देख ही सकते हो ब्रांडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली एक अच्छा हायर मिड एंड मॉडल है तो ऑब्वियसली हम वो तो करेंगे। ओके, सो अनबॉक्सिंग में ये पहला सामान जो है हमें एक बॉक्स जैसा मिल रहा है जिसमें लिखा है ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप रियल मी डेयर टू लीप। और जिन लोगों ने भी ये मोबाइल यूज़ किया था मुझे उनसे काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिले हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि यार क्यों नहीं, मैं अभी ट्राई करके देखता हूँ। नहीं तो पिछले 4 साल से मैं रेडमी नोट 5 प्रो यूज़ कर रहा था, अगेन दैट वॉज अ ग्रेट मोबाइल, आई थिंक ग्रेट मोबाइल, इट सर्व मी वेरी वेल। बट अब मैंने सोचा कि यार टाइम टू अपग्रेड, क्योंकि इसकी बैटरी भी मैं 2-3 बार चेंज करा चुका हूँ, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा टाइम टू अपग्रेड करने का। तो ये आप देख सकते हो एक प्लास्टिक सॉफ्ट सा बैक कवर है जो कि मैं मोस्टली यूज़ नहीं करने वाला, मैं एक अच्छा हार्डकोर बैक कवर लूँगा जो कि मेरे मोबाइल को अच्छे से सेफ्टी दे। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, सेफ्टी गाइड है, इसको अभी के लिए मैं साइड में रख रहा हूँ, आई विल गो आफ्टर इट लेटर। ये एक क्विक गाइड है कि आप सिम वगैरह कैसे निकाल सकते हो, और साथ में आपको ये सिम इंसर्ट वाला स्लॉट मिल जाता है जिससे आप सिम का जो नैनो सिम लगाने का जो स्लॉट है उसको ओपन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट सामान जो है अपना ये मेन मोबाइल है, इसको कुछ सेकंड में खोलते हैं, इसको अभी मैं साइड पर रख रहा हूँ। ये एक कागज़ का फ्रेम है, ये अपना सुपर डार्ट चार्जर है, मजबूत सा, थोड़ा हैवी सॉलिड सा लग रहा है, सॉलिड वाली फील दे रहा है हाथ पर। और ये अपना
सी टाइप केबल है, तो ये आई थिंक यूएसबी पार्ट इसमें जाएगा और इसका सी टाइप वाला एंड मोबाइल के अंदर जाएगा। हाँ आई थिंक बस इतना ही मिलता है आपको फ़ोन में, और ये बाकी कुछ सामान रखने के फ्रेम वगैरह। हाँ दैट्स इट, दैट्स ऑल यू गेट। और अब अपन आते हैं सीधा सीधा मोबाइल के ऊपर। तो अगर हम मोबाइल की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, स्टर्डी लग रहा है हैंड में। ऑब्वियसली मेरे पास Redmi Note 5 Pro था जो कि हल्का सा हैवीएस्ट है, उसकी भी बैटरी आई थिंक 4000 या 4500 के आसपास ही है, और आई थिंक सेम स्पेसिफिकेशन गोज फॉर दिस वन ऑल्सो। सो या वेट मुझे इसका थोड़ा हल्का लग रहा है। तो ओपन करते हैं और यहाँ से निकलता है अपना मोबाइल। आई नीड टू बी लिटिल केयरफुल क्योंकि अभी इसमें ना स्क्रीन गार्ड लगा है और ना बैक कवर। तो ये अपना फ़ोन है, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 1 2 3 सोनी आईमैक्स का कैमरा है, सोनी आईमैक्स का कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, और मैंने सुना है कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका ऑब्वियसली मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाऊंगा 15-20 दिन यूज़ करने के बाद, तो तब आपको और ज़्यादा बेटर पिक्चर मिलेगी। फिलहाल इसका बैक देखते हैं, तो ये ग्लास बैकग्राउंड है, ये मैंने ब्लैक कलर में लिया, ब्लू या और कोई कलर में नहीं लिया क्योंकि मैं मिडनाइट ब्लैक ही कलर मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल है, और वैसे भी मैं बैक कवर लगाने वाला हूँ इसके ऊपर तो कलर डजेंट मैटर मच। और इसको ऑन कर लेते हैं, इसका ये यहाँ से आई थिंक ऑन होगा, ये एक हल्की सी वाइब्रेशन फील हुई मुझे और उसके बाद ये ऑन हो गया। यहाँ पे आई थिंक ये साइड में स्लिम स्लॉट सिम स्लॉट है, यहाँ पे होल बना हुआ है, इसमें आप पिन डाल के सिम स्लॉट खोल के अपने नैनो सिम्स लगा सकते हो। ये रियल मी की बढ़िया फील दे रहा है, और ये अब बाकी आप ओपन करके आराम से इसे सेटअप कर सकते हो, जो कि मैं करूँगा थोड़ी देर में, अभी मैं ये नहीं करने वाला, अभी मैं सीधा इसको लेके जाने वाला हूँ दुकान पर। तो बात कर लेते हैं इसके फील एंड टच के बारे में, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील दे रहा है यहाँ आपके ऊपर, काफ़ी लाइट वेटेड लग रहा है, और यहाँ पे दो बटन्स हैं, यहाँ पे एक स्लिम सिम स्लॉट है, मैं बार बार स्लिम स्लॉट बोल देता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये मोस्टली वॉल्यूम अप डाउन और बाकी फंक्शंस के लिए आई गेस यूज़ होगा। और ये कैमरा है यहाँ पे आगे में एक 16 मेगापिक्सल का आई गेस कैमरा है, और मोबाइल काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है, बट इसको यूज़ करने पर ही पता चलेगा कि एक्चुअल इसका रिव्यू कैसा निकल के आता है। तो जस्ट मैं एक ये छोटा सा क्विक रिव्यू वीडियो आपके लिए बनाना चाहता था, जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट मुझे 29,500 के आसपास पड़ी है, और मैंने ये फ्लिपकार्ट ख़रीदा है क्योंकि अमेज़ॉन पे मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा पड़ रही थी क्योंकि ये हायर एंड मॉडल है। ओके ये मैंने लिया 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वाला मॉडल, एक 6 GB रैम और 128 GB वाला भी आपको मिल सकता है स्टोरेज वाला, आई थिंक दैट माइट बी लिटिल लेस कम्पेयर टू दिस, वो आई थिंक 25,000 के आसपास मिल जाएगा, बट मुझे लगा कि यार ले ही रहा हूँ मोबाइल, एटलीस्ट 2-3 साल कोशिश करूँगा चलाने की, तो इन दैट केस लेट्स गो फॉर अ बेटर हायर एंड वर्जन ऑफ दिस, सो इसीलिए मैंने ये लिया। एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो ये वीडियो, अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे मेरे चैनल पे बहुत जल्द। और अभी महाराष्ट्र सीरीज़ जारी है तो उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, एक कुछ 2-3 दिन में आ जाएगा, और अब कंसिस्टेंटली वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे, तो होपफुली आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ आप देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप लविंग, बाय बाय।